नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। देश में राम मंदिर को लेकर राजनीति थमने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां इसे लेकर अपनी अपनी राय दे रही हैं, कोई जो इनविटेशन है उसे अपना रहा है तो कोई उसे ठुकरा रहा है, सामान ठुकरा रहा है। मगर इसका कारण ये है कि लोगों का मानना है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन उचित नहीं है। जी हाँ, और ये ना सिर्फ इन लोगों का मानना है बल्कि ये देश में जो धर्म के प्रधान होते हैं ये उनका मानना है। आदि शंकराचार्य ने जिस चार मठ की स्थापना की थी, उन चारों मठों के शंकराचार्यों का ये कहना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो की जा रही है ये सही नहीं है। मंदिर को पूरा होने देना चाहिए था, उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। दरअसल दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मंदिर अभी बन रहा है, तो जब मंदिर बन रहा है यानी कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और जब तक मंदिर पूरा ना हो अधूरे मंदिर का उद्घाटन उचित नहीं है। ये शंकराचार्यों का कहना है, उनका मानना है कि ये गलत किया जा रहा है, जल्दबाजी में गलत फैसला लिया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर इसमें आने से मना कर दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जब उन्हें इनविटेशन गया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वो अधूरे मंदिर और धर्म के विरुद्ध किसी भी काम में भाग नहीं लेंगे। देखिए कि आखिर क्या कहा है शंकराचार्यों ने, फिर आपको बताऊंगी कि आखिर इनकी मान्यता क्या है, इनकी वैल्यू क्या है और इनके क्या नियम और कानून होते हैं। खबर में देखिए, पुरी के शंकराचार्य नहीं आएंगे अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा बोले, उनकी है अपनी मर्यादा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा ने आज तक साथ बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य की अपनी मर्यादा होती है। दरअसल पुरी के शंकराचार्य ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं वहां ताली बजाने जाऊंगा क्या। इस मामले में पीएन मिश्रा ने अपनी बात रखी, वह कानून के साथ साथ धार्मिक और इतिहास के भी विशेषज्ञ हैं। शंकराचार्य ने जब ये बात कही कि क्या मैं वहां ताली बजाने जाऊंगा, तो इसका कोई गलत अर्थ नहीं था, बल्कि उनके कहने का मतलब था कि शंकराचार्य किसी भी पूजा या फिर किसी भी इस तरह का जो यज्ञ हवन ये सब होता है उसमें वो सारी चीजें करवाते नहीं है, तो फिर क्या वो वहां पर जाकर बस ताली बजाएंगे, उनके कहने का ये अर्थ था। दरअसल विश्लेषण में उन्होंने बताया कि शंकराचार्यों की मर्यादा है कि वे ना किसी की पूजा का पुरोहित कर सकते हैं ना यजमान हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति ही वहां होगी। इसी स्थिति पर शायद पूरी पीठ के शंकराचार्य ने शायद कहा होगा कि हम वहां ताली बजाने जाएंगे क्या। शंकराचार्यों के सम्मेलन समय समय पर होते हैं, वैसे ऐसे समारोहों में अमूमन चारों शंकराचार्य विरले ही इकट्ठे होते हैं। उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं आयोजकों का अपना प्रोटोकॉल है जिसमें सुरक्षा और व्यवस्था दोनों शामिल है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पीएन मिश्रा का। वहीं बीबीसी ने इसे लेकर क्या लिखा है, देखिए। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरा सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि आचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेह डाला जा रहा है। ये अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का मानना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सही से नहीं हो रही है, नियमों के अनुसार नहीं हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ये सब कुछ जल्दबाजी में सिर्फ इसलिए करवा रही है क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले हो जाए, उन्हें चुनाव में कोई नुकसान ना हो सिर्फ फायदा हो। क्या ये कारण है कि जो मंदिर दिसंबर तक पूरा होगा, जी हाँ आपको बता दूं कि दिसंबर 2024 तक ये मंदिर पूरा हो सकेगा क्योंकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो पत्थरों से बनाया जा रहा है, ऐसे में उसमें समय ज्यादा लगता है, बल्कि मंदिर का जो शिखर है उसे तैयार होने में लगभग एक साल लगेंगे, ये बात सामने आई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक साल का इंतजार नहीं किया जा सकता था, जब 500 साल इंतजार किए, जब इतने सालों तक भगवान राम
द्वारा इंतजार किया गया तो एक साल और सही। ये सवाल लोग उठा रहे हैं, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है, न सिर्फ विपक्ष बल्कि कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सच में प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है? दोस्तों, जितना मेरी समझ में आता है और जितना जानकारों के अनुसार ये बात सुनने में आई है, प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी अधूरापन नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से हो रही है, सही तरह से हो रही है। पर दोस्तों, मंदिर का जो शिखर होता है वो सबसे जरूरी पार्ट होता है उसका, क्योंकि वहीं पे ऊपर ध्वजा लगाई जाती है। अब ऐसे में अगर मंदिर का शिखर ही तैयार नहीं होगा तो उद्घाटन के दौरान ध्वजा कहाँ लगाई जाएगी? और अगर उसे कहीं और भी लगाया जाता है तो कुछ समय बाद जब शिखर तैयार हो जाएगा तो उसे वहां पर फिर से एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी को लेकर के लगातार शंकराचार्यों का कहना है कि मंदिर को पूरा होने दिया जाता, उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती, ये उचित नहीं है। अगर आप सनातन धर्म में मानते हैं, अगर आप धर्म की हर चीज को मानते हैं, आप धर्म में के अनुसार चलते हैं और उसके साथ ही अपने धर्म को उतने ही श्रद्धा के साथ मानते हैं, तो ये जरूरी है कि आप उसमें जो नियम कानून दिए गए हैं उसे भी मानिए। या तो आप फिर सनातनी बनिए, या तो फिर आप कह दीजिए कि आप ईश्वर में नहीं मानते, या तो फिर आप आस्तिक बनिए या फिर नास्तिक बनिए। राम मंदिर का जब से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब से लेकर के जब तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तब तक ये सारी चीजें जो थी वो लगातार फ्लो में होती रही हैं। जैसे ही फैसला आया उसके बाद से राम मंदिर बनना शुरू भी हो गया था, उसके बाद आज वो इतनी तेजी से बना भी है कि अभी तक में इतना पूरा हो चुका है। मगर अब थोड़े समय के कारण जल्दबाजी दिखाना क्या बीजेपी के लिए गलत है? इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता, यानी कि मैं मोदी जी या शाह की जगह होता, तो फिर मैं शंकराचार्यों के पैरों में गिरकर उन्हें बुलाता। जी हाँ, उनका कहना है कि मैं उन्हें पैरों में गिर जाता, उनके उन्हें विनती करके कैसे भी लेकर के आता उद्घाटन में, मगर ये बीजेपी ये काम नहीं कर रही है। तो क्या अगर बीजेपी उन शंकराचार्यों के पैरों में गिर भी जाते तो क्या शंकराचार्य आ जाते? क्या प्रधानमंत्री के लिए वो अपने प्रोटोकॉल्स बदल देते? क्या ये जो बातें कही जा रही है ये सही है? लगातार विपक्ष इस बात पे सवाल उठा रहा है कि क्या जो धर्म के अनुसार बातें कही जाती है क्या वो मोदी जी की बातों के नीचे दब रही हैं? दोस्तों, इतना ही नहीं, आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी की बात ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, मगर धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना है कि भले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर शंकराचार्य जो है वो सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं वो। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है, जिन्हें की पोस्टर बॉय कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि वो जहां जाते हैं वहां बीजेपी का प्रचार करते रहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं। अब ऐसे में उन्होंने भी ये बात कह दी है कि वो भी इसके साथ नहीं है। उनका कहना है कि साफ तौर पर जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही है। तो क्या जब पूरा देश शंकराचार्य के साथ है, ऐसे में मोदी जी की अपनी जिद या फिर बीजेपी के जो अपनी जिद है कि उन्हें 22 जनवरी को ही उद्घाटन करना है मंदिर का, ये जिद वो पूरी करने के लिए सबकी बात टाल देंगे, नकार देंगे, एक और कर देंगे? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।